आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी? वो चीज पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। जो शासन में आजकल है हम बराबर कह रहे हैं, वो सारे इतिहास को बदल देंगे। सिंहों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्टीज देख रहे हैं। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है, कल इसका शुभारंभ होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस नए संसद भवन का शुभारंभ होगा। तमाम जितने सांसद हैं वो उपस्थित रहेंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है, विपक्षी पार्टियों ने खुलकर के विरोध किया है। आखिर क्यों महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया? सवाल बरकरार है, सवाल का जवाब बीजेपी के नेता भी दे रहे हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू की चिंता अब क्यों होने लगी? जब उनके खिलाफ वोट दे रहे थे उस वक्त चिंता क्यों नहीं हुई थी? हालांकि अब जब देश का नया संसद भवन तैयार है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे कैसे बैठने की व्यवस्था की गई है, जो सिटिंग कैपेसिटी की बात की गई है उस संसद भवन से कैसे कहें तो दोगुना सिटिंग कैपेसिटी इस नए संसद भवन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका लोकार्पण करेंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं है। ये नए संसद भवन की क्या जरूरत थी? 1000 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ संसद भवन 20 दिसंबर 2021 को ये बनना शुरू हुआ था और कल यानी कि 28 मई 2023 को इसका शुभारंभ हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं आखिर इसकी जरूरत क्या थी। नीतीश कुमार सवाल पूछा है, जरा सुनिए। तो देखिए, ये कोई क्या जरूरत है बोलिए? अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए, और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये जो इतिहास है, अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास ही बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज़। खैर, अब अन्य पार्टियाँ तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करें, वो सब तो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या ज़रूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए, आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको ख़त्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए, अब जो शासन में आजकल हैं हम बराबर कह रहे हैं, वो सारे इतिहास को बदल देंगे, आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज़ को मानते रहते हैं, देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे सर, अटल भी ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं कोई मतलब है? और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि ये हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक एक चीज़ तो हम लोग तो मानते हैं, और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज़ है, तो हम लोग तो मानते हैं देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक, कोई मतलब नहीं सर। बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए भाई, आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी? आ इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तीनों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। सर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा का, उनको भी नहीं बुलाया गया क्या? हाँ, वो तो आप सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है, ये बात भी दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए, तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? आप देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं। नीतीश कुमार ने कैसे तीखा पलटवार किया है, इस नए संसद भवन की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, कल इसका शुभारंभ होना है, नीतीश कुमार ने कैसे कैसे पलटवार किया है, उन तमाम बातों को हमने अब तक पहुंचाया है। सुशील मोदी पर भी पलटवार किया है, जो कह रहे हैं कि राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया बिहार में जब विधानसभा के विस्तारित भवन का उद्घाटन हुआ था। आपने सुना है नीतीश कुमार की बातों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।